नमस्कार बच्चों, कक्षा चार के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के 6 अध्याय पूरे कर लिए। आज हम 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ये इस अध्याय में जंगल की बात बताई जा रही है। जंगल कितने हमारे लिए सुरक्षित होते हैं और उनको बचाए रखना मानव हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। हम जंगल से क्या क्या प्राप्त करते हैं, जंगल हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये सब बातें इस अध्याय में बताई गई है। चंपा नाम के एक जंगल में, घना जंगल था, उसमें साल, सागौन, देवदार, शीशम और बरगद के वृक्ष थे। ये किस प्रकार आपस ही अपनी दुखद घटना शेयर करते हैं, बताते हैं और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम ये अध्याय पढ़ करके समझेंगे। यहाँ पर बहुत ही सुनहरा माहौल है। वृक्षों पर चिड़ियाँ चहचहाती है, अपने घोंसले बनाते हैं, बंदर उछल कूद करते हैं, नदियाँ और तालाबों में मछलियाँ तैर रही है। ये सब किस लिए? ये जंगल के होने से ही सारा मनोरम दृश्य सामने आता है। ये जंगल है तो सब कुछ, सारे पशु पक्षी अटखेलियाँ करते हैं, चरते रहते हैं और जंगल बने रहते हैं। जंगलों के बने रहने के लिए हमें उनको काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक संख्या में उगाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मनुष्य अपनी ज़रूरतों के कारण उनको काट देते हैं। इन्हीं के काटने से कैसा उन पर असर पड़ता है? क्या पेड़, आपने सुना है कि वनस्पतियां भी जीवित होती है? हाँ, वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे में भी जान है। ये पहले ही स्पष्ट हो चुका कि वनस्पतियों में जान है, वनस्पतियों में जान है। आप लोगों को यह बात साइंस की कक्षा में सिखाई गई होगी कि वनस्पतियां कौन सी गैस लेती हैं और हमारे लिए कौन सी गैस देती हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड नामक गंदी गैस को छोड़ते हैं, वही वो लेकर के, ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन देती हैं, जो हमारे लिए प्राण वायु है। पेड़ पौधे ही सूरज से अपनी हमारे जो पास में गर्मी आ रही है उसको छान करके, उनकी पत्तियों से छन करके वो जो गर्मी है, वो धूप है, हमारे पास पहुंचती है। पेड़ पौधों के कारण ही वर्षा होती है और पेड़ जितने ज़्यादा घने होंगे उतने ज़्यादा जंगल कम कटेंगे, मिट्टी का कटाव कम होगा और बाढ़ इत्यादि आने की संभावना भी कम होगी। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे ही कुछ मनुष्य जब पेड़ पौधे काटने जंगल में पहुँचे तो वहाँ पर एक छोटे पौधे ने बड़े बरगद से पूछा कि ऐसा मनुष्य क्यों करते हैं। बरगद ने अपनी जटाएं हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ये लोग एक दिन में हमें भी मार डालेंगे। छोटा पेड़ सोचते हुए बोला, पर दादा, मैंने तो सुना है पेड़ों को काटने पर सरकार ने रोक लगा दी है। बरगद ने दुखी स्वर में कहा, तू ठीक कहता है बेटा, पर ये लोग पैसा कमाने के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि कभी कभी चोरी छिपे सरकार की कर्मचारियों से मिली भगत होने के कारण ये काट भी देते हैं। बरगद का पेड़ बोला, बेटा, वह ठेकेदार था और अपने आदमियों के साथ लेकर आया था। 3 साल का एक छोटा सा पेड़ बोला, दादा, कल तो वह बाल बाल बच गया, वरना कल जब उसने शीशम चाचा को कटवाया, शीशम का पेड़ होता है, तो धड़ाम से उसके ऊपर गिर पड़े, कचूमर ही निकल जाता। छोटे पेड़ ने तपाक से कहा, अच्छा रहता तो वह मर जाता, कम से कम आज तो उसके आदमी जंगल नहीं आने की हिम्मत करते। बरगद दादा ने कहा, बेटा, अपने बुरे कर्मों का फल जल्दी ही मनुष्य को भोगना पड़ेगा और एक दिन मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। छोटे पेड़ ने बरगद दादा से पूछा, मैंने तो सुना है कि पेड़ मनुष्य के मित्र होते हैं। अब देखो बच्चों, सुनो कि पेड़ कैसे मित्र होते हैं। बरगद बोला, मनुष्य के सच्चे मित्र पेड़ ही होते हैं, उन्हें जीवन भर हम सिर्फ देते ही रहते हैं। बरगद, बेटा, कहाँ तक गिनाऊँ, हम मनुष्यों को क्या क्या उपकार करते हैं तुम जानते हो। वर्षा ऋतु में वर्षा, चारों ओर जल जो दिखाई देता है वह हमारे ही कारण आता है। छोटा पेड़ आश्चर्य से बोला, अच्छा। बरगद ने बताया कि गंदी हवा जो मनुष्य छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम ग्रहण करके इन्हें अच्छी और शुद्ध हवा, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे ये श्वास द्वारा अपने जीवन को जीते हैं।
तीन साल का पेड़ कहने लगा, एक बात मुझे भी पता है दादा कि हरी हमारी पत्तियां सूरज की रोशनी में तरह तरह के खाद्य पदार्थ फल फूल इत्यादि बनाती है। बरगद बोला, हाँ बेटा, मनुष्य की तरह 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 की दवाइयाँ भी हमारे आसपास अनेक जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाती है जिनसे दवाइयाँ बनती है। क्या आप लोग जानते हैं दालचीनी तेजपात ये जैसे सारे मसाले भी जंगलों से ही प्राप्त होते हैं। बेटा, जानवरों और पक्षियों को घर भी हम ही पेड़ देते हैं। हमारी ही धरती सुंदर है, हमसे ही धरती सुंदर है, हमारे बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो फिर दादा, मनुष्य समझ क्यों नहीं पा रहा कि वो हमें क्यों काट देता है? बरगद ने पेड़ के से शांत स्वर में कहा। अब यह बात कुछ मनुष्यों को समझ में आने लगी है। उन्हें पता चल गया है कि जंगलों को काटने से वर्षा कम होने लगी है, पर्यावरण गंदा हो रहा है, पशु पक्षियों के जीवन के को खतरा हो रहा है। पर जब तक यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी तब तक न तो हमारी हत्या रुकेगी और ना ही मनुष्यों का कल्याण हो पाएगा। अब मनुष्य को ही समझना होगा कि जंगल, पशु पक्षी, नदी, पहाड़ सभी उसके जीवन से जुड़े हैं। इनकी हानि होने के लिए होते ही साथ साथ उनके जीवन को भी खतरा, उनके स्वास्थ्य को भी खतरा, अनेक बीमारियों से मनुष्य घिर जाएगा, यानी मनुष्य का सर्वनाश होगा। यदि हम जंगल और पेड़ों की कटाई करेंगे तो मनुष्य का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, पेड़ पौधों से अधिक। इसलिए बच्चों, यदि आपके आसपास कोई भी पेड़ कटता हुआ आप देखें तो उन्हें जरूर रोकने का प्रयास करें और उन्हें समझाइए। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने पाठ्य पुस्तक रोली का पाठ 7 पढ़ा था, जंगल की सैर, जंगल जंगल की बात। आज हम उसी के ही मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर मैं बोल के भी बता रही हूँ और बोर्ड पर भी करवा रही हूँ, आपको जैसे सुविधा हो वैसे करें। सुनिए मौखिक प्रश्न। जंगल कैसा था? जंगल घना था। जंगल के पेड़ कैसे जीवन बिताते थे? जंगल के पेड़ हंसी खुशी जीवन बिताते थे। पेड़ काटने पर